हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के एक और एपिसोड में। तो गाइस, आज हम इस एपिसोड में बनाने वाले हैं एनिमल फार्म। और गाइस, मैंने बहुत कुछ चेंज किया ऑफ कैमरा, मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं अपने घर में, अपने फार्म में, अपने और ये कैसल की जो वॉल थी अपने चारों तरफ, उसमें भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में, प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारा। मैं आपको सबसे पहले अपने चेंजेस दिखा देता हूँ, मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आज हम एनिमल फार्म रहेंगे गाइस। मैंने इसके ऊपर एक और वॉल चढ़ा ली है, एक और ब्लॉक की वॉल चढ़ा ली है, क्योंकि यार क्या हो रहा था ना, मेरे जो घोड़े थे वो बाहर निकल रहे थे और जो ज़ॉम्बीज थे वो भी अंदर आ रहे थे घर के अंदर। तो मैंने इसलिए चारों के चारों तरफ मैंने ऐसा डबल लेयर कर लिया है वॉल्स का, तो अब कोई आ नहीं पा रहा, ना ही कोई जा पा रहा है घर के बाहर। और गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ फार्म में मैंने चेंजेस किए। यहाँ पे मैंने दो और लगा लिए, क्योंकि यार फार्म में बहुत कुछ मेरे को आ रहा है, बहुत कुछ सामान आ रहा है। गाइज देख सकते हो, मैंने बहुत कुछ निकाला यहाँ से। पॉइजनस एप्पल निकला है, मेलन निकले हैं, पटैटो बहुत सारे हैं, मेरे पास बीट भी बहुत सारा है। ये तो एक है, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट फुल होने वाला है ये देखो। इसलिए मैंने गाइज ये दो ये चेस्ट लगा लिए थे। और गाइज, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे मेलन कैसे उग नहीं रहे थे, बड़े नहीं हो रहे थे। तो मेरे को यहाँ पे एक और लेयर यहाँ पे इनको बनाने के लिए एक और लेयर यहाँ पे डालनी पड़ती थी, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एक और लेयर आ चुकी है। अब जाके मेलन यहाँ पे निकला है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे, अब जाके थोड़े बहुत मेलन यहाँ से निकले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा है इसको यार, फार्म में बहुत कुछ, बहुत सामान निकल रहा है। तो गाइज, मैं आपको दिखा, पम्पकिन भी मेरे निकल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी सी इस पर करनी पड़ेगी, थोड़ी सिंचाई करनी पड़ेगी। मैं अब दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे थोड़ा ड्राई हो गया है क्योंकि वहाँ पे वो अभी वेट नहीं हुआ था। इसको कर लेते हैं ऐसे, इसको कर लेते हैं ऐसे, जब तक यहाँ पे पम्पकिन ये मेलन आ जाएंगे इसमें, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो मैं आपको पम्पकिन भी दिखा देता हूँ, ये देखो गाइज में बाहर आ गया, पम्पकिन भी दिखा देता हूँ, पम्पकिन भी बहुत सारे हैं हमारे पास। और गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बहुत सारे घोड़े अपने कासल में ले आया था वापस से। पिछली बार क्या हुआ था, मेरे घोड़े सारे के सारे भाग गए थे, तो मैंने बहुत सारे घोड़े यहाँ से लाए। और मेरे ही कैसल के इस पार एक विलेज है, वहाँ पे मैं गया और वहाँ से मैंने बहुत सारे सैडल उनसे भी मिल गए मुझे, मैं वहाँ से सैडल भी उठा के लेके आ गया। तो गाइज, शुरू करते हैं अपना काम, हम एनिमल फार्म बनाने वाले हैं। जल्दी से पहले ये रख लेते हैं। और हाँ, मेरे को चाहिए, मेरे को पिग्स रखने हैं, चिकन रखना है, काऊ रखनी है, और क्या होता है, और घोड़े के लिए अलग से बनानी है जगह। तो काऊ के लिए मेरे को चाहिए वीट, पिग्स के लिए कैरेट है, और सीड्स चाहिए मेरे को चिकन के लिए, आई थिंक इतने ही होते हैं ना शायद एनिमल में। शीप भी चाहिए, तो शीप के लिए वीट हो गया, वीट भी बहुत है। उससे पहले हम थोड़े बहुत फेंस बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, क्योंकि हमें उनके लिए घर भी बनाना पड़ेगा ना। एक तो एक पहले बाउंड्री बना लेते हैं, मेरे को फेंस की ज़रूरत है, इसके लिए मेरे को वुड चाहिए, वुड मैंने रखी हुई है। तो गाइज, मैं फेंस बना लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो गाइज, मैं बहुत सारे फेंस बना के लेके आ चुका हूँ, मेरे को टॉर्चेस भी चाहिए थी, उन पर टॉर्चेस भी लगानी है, तो इसलिए मैं बहुत सारी टॉर्चेस भी बना के लेके आ, मेरे को डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं कहाँ बनाऊँ ये। तो गाइज, मैं सोच रहा था कि मैं एनिमल फार्म बनाऊँ, लेकिन फिर थोड़ा दिमाग लगाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एनिमल फार्म तो बनाना है, लेकिन मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, एनिमल बिल्डिंग बना लेता हूँ एक, क्योंकि यार उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा। एक फ्लोर पर हम काऊ रख लेंगे, एक फ्लोर पर पिग रख लेंगे, एक फ्लोर पर हम चिकन रख सकते हैं, और एक फ्लोर पर हम रखेंगे शीप्स को। तो गाइज, मैं बनाने वाला हूँ एनिमल फार्म, बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से शुरू करने वाला हूँ मैं ये। और मैं कितने फ्लोर की बनाऊँ, एक दो, कितने रखा है, एक सेकंड, एक दो तीन, तीन फ्लोर कर दिया है मैंने, तीन की ऊंचाई रख दी है एक में, मैं चार की ऊंचाई रखने वाला हूँ एक में। ये आ गया एक फ्लोर, आ गए चार, आ गए, ठीक है, बहुत सही। मेरे पास लॉग्स कम है, प्लैंक्स कम है, मेरे को प्लैंक्स भी लाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो कोई बात नहीं, वो लेके आ जाऊंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ से बनानी है ना, ओके, तो यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे सही रहेगा, सीधी लाइन में रहेगा क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एक और पिलर बनाने वाला हूँ इसका, बहुत सही, दो तीन चार हो गया ना, हाँ बराबर है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अंदर करना पड़ेगा यार, ये बीच में ये फेंस आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होगी फार्म बनाने के टाइम, फार्म बनाते टाइम मैंने देखा नहीं है, सोचा नहीं मैंने। ओके, तो गाइज एक ब्लॉक अंदर कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, हाँ यहाँ एक दो तीन चार, एक ब्लॉक अंदर कर लेते हैं, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, हाँ ठीक है, अब सही रहेगा मुझे लगता है। जहाँ तक ये कहाँ से आया स्पाइडर, ठीक है, रिजात का। ओके, तो गाइज ये रहा, कट गया ये,
बहुत सही, ये इसी लाइन में, हाँ इसी लाइन में, तो यहाँ तक मैं बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं, जहाँ तक मेरा फार्म है वहाँ तक ही बनाने वाला हूँ। ओके तो ये सही है, यहाँ पे बनाने, यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 2 3 4, बहुत सही। ओके तो यहाँ पे भी डालने वाला हूँ, चारों तरफ से बनाएंगे। यार मैं सोचूं इतना बड़ा बना के फायदा नहीं है कुछ भी, इतना बड़ा क्या करना है, वैसे भी यहाँ बनाते हैं यहाँ पे, हाँ 1 2 3 4, ठीक है यहाँ पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि फिर हमारा जो डोर है वो कवर हो जाएगा, मैं नहीं चाहता वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ओके तो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 4, बहुत सही। तो गाइज मैंने चारों पिलर बना लिए चारों तरफ से, अब मेरे को इसको कवर करना पड़ेगा लॉग्स के साथ, इनमें मेरे को छत डालनी पड़ेगी एक, ताकि हम ऊपर ऊपर वाला फ्लोर भी बना ले, वो देखने वालों में कैसे करने वालों में दिखा दूंगा आपको। पहले मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ग्राउंड फ्लोर बना के दिखा देता हूँ, उसी तरीके से मैं चार फ्लोर बनाने वाला हूँ जिसमें हमारे सारे के सारे एनिमल्स आएंगे। ओके तो मैं पहले फेंस लगा लेता हूँ इधर पे, ये घोड़े यार बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये घोड़े निकालने पड़ेंगे यहाँ से। ओके तो यहाँ पे आएगा एक फेंस, ओके तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ से एक, बहुत सही होने वाला है, पूरा एंड तक वीडियो देखना क्योंकि बहुत सही लगेगा। ओके मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, मैंने वहाँ पे बना लिए लॉग्स, मेरे को यहाँ पे बनाना चाहिए था, तो थोड़ी मोड़ी गलती हो गई देखने में, अबे टूटना कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ 3, अरे यार गलत हो गया, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं, हाँ ठीक है अब ठीक है। एक साइड की बाउंड्री मैंने बना ली है, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही बनने वाला है, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऐसे ही फ्लोर चढ़ाने वाला हूँ, बहुत सही लगेगा हमको बनने के बाद, बहुत अच्छा लगने वाला है ये। पहले इस डोंकी को हटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक बार बाउंड्री बन गई तो फिर, एक बार बाउंड्री बन गई तो फिर ये नहीं आएंगे सारे, इनको हटा लेते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ये, ओके मेरे पास ब्लॉक्स ख़त्म हो गए हैं, फेंस ख़त्म हो गए हैं, फेंस लाने पड़ेंगे यार और। ओके तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, बहुत सही, दो साइड से मैंने बाउंड्री बना ली है, बहुत सही हो गया। अरे यार गलती से वो तोड़ दिया, यहाँ पे डाल देते हैं, हाँ ठीक है सही है, यहाँ से भी कवर कर लेता हूँ मैं जल्दी से। क्योंकि यार ये जो है ना फार्म बनाने से एक फ़ायदा है, हमें लेदर मिल जाएगा, उसके बाद हमें खाना भी मिल जाएगा। तो मेरे को वहाँ पे एक डोर बनाना पड़ेगा फार्म में जाने के लिए। ओके तो एक एक्स्ट्रा लगा दिया ना, यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, बहुत सही। यहाँ पे मैं तोड़ लेता हूँ ये, इसको तो सही हो गया, यहाँ से मैं डालने वाला हूँ ये, एक गेट लगा देंगे आगे, ताकि हमारा जो फार्म है, यहाँ पे मैं गेट लगाने वाला हूँ, यहाँ से भी बना लेते हैं। यहाँ पे गेट लग जाएगा ना, यहाँ डाल लेते हैं, गेट में लेके आया था आई थिंक, मुझे लग रहा है हाँ लेके आया हूँ, गेट लगा लेते हैं। ओके तो गाइज मैंने गेट लगा दिया, बहुत सही, ओ भाई सही लग रहा है, हमारा पहला फ्लोर बन चुका है। ऐसे ही मेरे को बनाने हैं चार चार पिग, एक पिग के लिए बनाना है, एक मेरे को बनाना है काउस के लिए, एक चिकन के लिए और एक घोड़ों के लिए। यहाँ से ही मैं ऊपर चढ़ने वाला हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सीढ़ी बना लेंगे, यहाँ से मैं ऊपर के लिए सीढ़ी बना लूँगा, ताकि हम ऊपर जा पाए आराम से और बना लें। तो मैं लेके आ जाता हूँ पहले। तो गाइज मैंने यहाँ पे सीढ़ियाँ बना ली हैं ऊपर जाने के लिए। मैंने यहाँ पे फेंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से घोड़े ऊपर चढ़ रहे थे, इसलिए मैंने फेंस लगा दी ताकि घोड़े ऊपर ना चढ़ पाए। और मैं डर्ट बिछाने वाला हूँ ऊपर, जो फ्लोरिंग है सीलिंग की फ्लोरिंग जो है मैं ऊपर करने वाला हूँ डर्ट से,
इससे क्या होगा गाइस, उनको घास खाने के लिए मिल जाएगा एनिमल्स को, और वो जिंदा भी रहेंगे। अगर मैं उन्हें घास नहीं दूंगा तो मर सकते हैं वो। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता। मैं यहाँ पे डर्ट की फ्लोरिंग करने वाला हूँ, डर्ट की सीलिंग करने वाला हूँ बिल्कुल, ताकि उन्हें घास मिलता रहे और वो जिंदा भी रहें। और मैं ऐसी 4 फ्लोर बनाने वाला हूँ, बहुत लंबी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है अपनी भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर रात भी होगी, सोना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये वाली रो बना लेता हूँ, ऐसे मैं पूरे में फिलिंग करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको फिलिंग करके दिखा देता हूँ, पहले फिलिंग करके बताऊँगा आपको कैसा बना। तो हे गाइस, मैं बहुत सारे वुड काट के लेके आ चुका हूँ, और मैंने बहुत सारे फेंस बना लिए हैं, टॉर्चेस बना लिए हैं। देख, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी इन्वेंटरी पूरी की पूरी, बहुत सारे मैंने टॉर्चेस बनाई, बहुत सारे मैंने फेंस बनाए, 64 64 64, मतलब 200 300 मैंने फेंस बना लिए हैं, बहुत लगने वाले हैं। तो गाइस रात हो गई है, मैं सो जाता हूँ पहले, क्योंकि बहुत खतरा है रात को, इसलिए हम सो जाते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं इससे पहले फेंस लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत बारी गिर चुका हूँ यहाँ से, मैं नहीं चाहता मैं और गिरूँ बार बार, तो इसलिए पहले फेंस लगा लेते हैं। और मेरे को यार एक मेरे को ना फिर से एक्स बनाना पड़ेगा, मेरा एक्स जो है वो टूट चुका है, इतनी वुड मैंने तोड़ी कि मेरा एक्स ही टूट गया। मेरे को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, मुझे एक्स बनानी पड़ेगी। मैं जल्दी से एक्स बनाता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल में लेके आया था इसीलिए, ताकि हम एक्स बना सके। मेरे पास स्टिक है क्या? एक स्टिक बनाना पड़ेगा, एक वुडन का एक्स बनाना पड़ेगा, एक वुड का एक्स बना लेते हैं, दो बना लेते हैं एक्चुअली में, क्योंकि दो हमको ज़रूरी है। मेरी सारी की सारी वुड देख सकते हो आप ख़त्म होने लगी है लगभग। पहले एक्स यहाँ पर रख लेते हैं, जल्दी से इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को ज़रूरी है अभी ये चाहिए। और वहाँ कोने पे नहीं लगाना चाहिए था मेरे को, मैंने कोने में गलती कर दी वहाँ पे लगा के, जहाँ पे मैं तोड़ने वाला हूँ, ये तोड़ने वाला हूँ, मेरे को मिल जाना चाहिए और नीचे ना गिरे। ओके तो गाइस मेरे को मिल चुका है, मैं यहाँ पे वुड ब्लॉक लगाने वाला हूँ, लगा लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे इसको करना ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है सही है, बहुत सही है, 4 कर लिए हैं मैंने, कुछ खा लेते हैं, पेट खाली हो चुका है। जल्दी से यार इसको फिलिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसकी फ्लोर की फिलिंग करना बहुत टाइम लगता है। और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि रास्ता कहाँ से बनाऊँ, क्योंकि नीचे का रास्ता तो आसान था, अब ऊपर का रास्ता कैसे बनाना है मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें मैं, बाकी सब तो नहीं है। ओके तो हमने ये वाला साइड भी कवर कर लिया, बहुत सही। वो देखो गाइस पानी में क्रीपर है साला, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पे भी लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 लगा दिए, उसको तोड़ लेते हैं, 4 ना बराबर है, बराबर है, 1 2 3 4, ठीक है सही है। यहाँ से भी लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं गिरना नहीं चाहता हूँ यार, मैं बहुत भारी गिर रहा हूँ ना। तो गाइज मैंने चारों तरफ बाउंड्री कवर कर लिया, अब मैं गिरूंगा नहीं, बहुत सही हो गया ये वाला। यहाँ पे रह गया क्या? हाँ यहाँ पे रह गया, मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लिया। मैं टॉर्चेस लगा लेता हूँ इसकी, यहाँ पे सारे के सारे टॉर्चेस मैं लगा लेता हूँ। पहले नीचे का काम एक एक करके करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म करके जाएंगे ऊपर। टॉर्चेस मैंने आधे में लगाई है वैसे, यहाँ भी लगा लेते हैं, जल्दी से लगा लेते हैं। बीच में अगर मिस होता तो मैं फिक्स कर लूँगा वो बाद में, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं टॉर्चेस। ओके तो मैं इस कोने में पहुँच चुका हूँ, ओके इसको तोड़ना है, गलत लग गई यहाँ पे। ओके तो गाइज मैंने हर जगह पे टॉर्चेस लगा लिए, यहाँ पे लग गई बेकार में, यहाँ पे मैंने हर जगह टॉर्चेस लगा लिए, शायद यहाँ पे मिस किया था ना मैंने एक जगह, यहाँ पे लगा लेते हैं टॉर्च, देखो यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसको सामान को यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि खाली करना है बैग अपना, इन्वेंट्री खाली करनी है, बहुत कुछ मेरे पास है। मेरे पास ये डर्ट भी खाली होने वाली है, इनको तोड़ लेते हैं, फालतू में लग गए यार। मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ कि मैं ऊपर वाली स्टेयर्स कैसे बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो गाइस मैं समझ गया मेरे को स्टेयर्स कैसे बनानी है, मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ स्टेयर्स, ऊपर तक जाने वाला हूँ मैं, ऐसे 1 2 3 की स्टेयर्स बनाने वाला हूँ, ऐसे ही ऊपर जाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक 4 ब्लॉक्स रख दिए हैं, हम इसके ऊपर स्टेयर बनाने वाले हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके पीछे मेरे को 2 ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर चढ़ के मेरे को ऊपर इनके ऊपर 2 ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, देख लेते हैं पहले इसको, 1 2 3 4 हो गया यार, गलत हो गया शायद, नहीं ठीक है, आई थिंक ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1 2 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है मैं निकालने वाला हूँ, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अरे ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ओके तो मेरे को नीचे वाले भी नहीं चाहिए ना, मैं नीचे वाले भी निकाल लेता हूँ,
ये भी निकाल लेता हूँ और बस ठीक है। हाँ तो गाइज हमारी ये सेकंड फ्लोर की स्टेयर बन चुकी है, बहुत सही हुआ। अब मेरे को इसकी फीलिंग करनी पड़ेगी, फिर से मैं कर लेता हूँ फीलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है इसलिए मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, बोरिंग काम है यार इसलिए। तो मैं ये पहले चीज़ें सामान रख लेता हूँ और मैं वहाँ से ये ले आता हूँ। ओके तो गाइस हमारे तीन फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये भी कंप्लीट होने वाला है। इसमें थोड़ी सी टॉर्चेस रह गई है एक दो साइड से, मैं वो भी लगा देता हूँ और कंप्लीट कर देता हूँ इसको भी। उसके बाद हम लाने वाले हैं काऊ को और शीप को लाने वाले हैं, उससे हमें शीप से हमें वूल मिलने वाला है और वूल को हम डाई करके बहुत कुछ अलग अलग बना सकते हैं, बहुत सही होने वाला है आगे जाके, और भी अच्छे अच्छे एपिसोड आने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको एक बार बाहर से भी दिखा दूंगा कितनी सही लग रही है हमारी बिल्डिंग, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको नीचे जाके पूरा दिखाने वाला हूँ कि कैसे होने वाली है हमारी बिल्डिंग। एक बार इसको लगा देता हूँ मैं। ओके तो इस पर लगा दिया, इस पर भी लगा देता हूँ, अरे गलती से नीचे लग गया। और हाँ गाइज इस पर आहिस्ता आहिस्ता डर्ट भी आ रही है, वो पिक बाहर ही है, पिक को ही लेके आते हैं, जो पहले सामने मिल जाएगा हम उसको ही लाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने गेट लगा दिया ताकि आने का रास्ता बन जाए, यहाँ पे भी टॉर्च लगा देते हैं, रात होने ही वाली है, जल्दी से सो भी जाते हैं क्योंकि रात को खतरा है। हम यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सा कहाँ पे रखने वाले। यहाँ पे भी मैंने एक गेट लगा दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुछ देखते हैं अभी क्या लगाते हैं, पहले सो जाते हैं उसके बाद मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर अभी नीचे ज़ॉम्बी होने वाले हैं। तो जल्दी से अभी सुबह उठ के हम करते हैं, देखते हैं। हाँ तो भाई सुबह हो चुकी है, अब हम नीचे जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नीचे से भी कैसा लग रहा है। ओके तो गाइज हमारा ये ग्राउंड फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया, फर्स्ट फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर आ गया, बहुत सही। देखते हैं अभी अगर कोई और अलग टाइप का जानवर होगा उसको भी लेके आ जाएंगे और एक और फ्लोर बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नीचे मैंने घोड़े घोड़े रखे हैं सिर्फ, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा ही हो गए घोड़े, कुछ ज़्यादा हो गए, हाँ कुछ ज़्यादा हो गए घोड़े यार, मुझे मतलब आधे इसमें पार्टीशन कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं वो चलेगा हमारे को, पार्टीशन करूँगा मैं। पहले देखता हूँ पहले हमारे पास क्या है, कैरेट्स है ना, तो कैरेट से मैं पिग ला सकता हूँ। पता नहीं यार कौन सा पिग कैरेट खाता है, यहाँ पे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है। मेरे घर में है क्या पैरेट कोई, नहीं पिग नहीं है, तो मेरे को पिग लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से ढूंढ के। यहाँ पे काऊ है ना सामने, तो काऊ को लेके आते हैं सबसे पहले, मैं पहले इसको ब्रीड दिखाता हूँ, ये अपने आप आ जाएगी। मेरे को कम से कम 2 काऊ चाहिए ताकि मैं उनकी ब्रीडिंग करवा दूंगा, 2 काऊ मिल जाएंगे तो मैं उनकी ब्रीडिंग करवा सकता हूँ आराम से, और वो आराम से बच्चे पैदा करके बहुत सारे हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 2 काऊ चाहिए लेकिन यहाँ पर एक ही है, मेरे को थोड़ा बहुत दूर जाना पड़ेगा लाने के लिए, कोई बात नहीं लेके आ जाएंगे, अब इतनी मेहनत की है तो कर लेंगे और भी। ओके ऊपर आएगी क्या, आना ऊपर नहीं आएगी क्या, आना तो चाहिए इसको, हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आजा 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 आजा, हाँ तो गाइज आ गई, बहुत सही बहुत सही। तू आ गई ना, तेरे लिए थोड़ा खाना भी है, ये ले खाना ले ले तू, आजा भाई क्या कर रही है, एक एक करके आओ, हाँ बहुत सही बहुत सही, इनको खाना खिला देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं छोटे बच्चे को जल्दी से। ओके तो इसको बड़ा कर दिया मैंने, इसको भी करवा दिया ब्रीड। चलो गाइज ये ब्रीडिंग करने लगे, अब इनका छोटा बेबी निकलेगा और मेरे को यहाँ से शीप भी मिल जाएगी। हाँ देखो गाइज ये देखो शीप निकल चुकी है, एक छोटा सा बच्चा निकल चुका है, बहुत सही, इसको भी खाना खिला देते हैं थोड़ा सा, तू भी खा ले बेटा, आसानी हो जाएगी अगली बार। मेरे को एक और फ्लोर बनाना पड़ेगा, 2 फ्लोर एक्चुअली मेरे को और बनाने, एक मुर्गे के लिए, एक चिकन के लिए, एक पिग के लिए, तो खाना ले लिया, खाना ले। ओके तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, इसको बाहर ना निकले। ओके तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ऊपर आएगा क्या, हाँ आ रहा आ रहा आ रहा, बहुत सही बहुत सही। यहाँ पे मैं रास्ता खोल लेता हूँ इसका ताकि ये इधर पे आके बैठ जाए, ना पड़ेगा और मेरे को 2 फ्लोर और बनाने हैं, टाइम लग जाएगा काफ़ी उसमें। जब पूरा रेडी हो जाएगा, दोनों फ्लोर रेडी हो जाएंगे तो गाइज मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइज मैंने अपनी एनिमल फार्म बिल्डिंग पूरी की पूरी बना दी है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन गाइज वो बिल्डिंग नहीं है, उसको शॉपिंग मॉल बोल सकते हैं भाई। इतना बड़ा बनाया ना, इतना बड़ा बनाया कि मैं हद हो गई, मैं खुद सोचने लगा कि मैंने बनाया क्यों इतना बड़ा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक बार मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर से दिखाने वाला हूँ आपको फ्रंट व्यू सीधे, बहुत 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 बड़ा बनाया है मैंने। तो गाइज ये देखो मेरा एनिमल फार्म बिल्डिंग बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया है। नीचे मेरे घोड़े हैं, ऊपर मेरी काउज है, ऊपर उसके ऊपर शीप्स है, उसके ऊपर मैं आई थिंक चिकन रखा है मैंने, और सबसे ऊपर मैंने पिग रखा हुआ है। तो गाइज मेरे को बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनाते बनाते, वो देखो गाइज वो पिग दिख रहा होगा आपको। अब हुआ क्या,
मैंने यहाँ पे सब कुछ बना दिया है, मैंने चारों के चारों तरफ यहाँ पे टॉर्चेस लगा दी। मैं आपको नीचे जाके भी दिखा देता हूँ, ऊपर चढ़ के और इस एनिमल फार्म बिल्डिंग में जाके भी दिखा देता हूँ। बहुत 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 टाइम लग गया यार, बहुत फिलिंग करनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा। मैंने आपको दो फ्लोर दिखाए थे, उसके बाद मैंने बहुत कुछ बनाया। इसको भी ले लेते हैं यार, ये बहुत ज़रूरत है, डर्ट मेरे को बहुत ज़रूरी लगी इसमें। तो गाइज मैंने यहाँ पे हर एक पिलर पे ऊपर ऊपर तक लगा दी है ये टॉर्चेस, यहाँ भी लगा दी है टॉर्चेस, और वैसे ही मैंने चारों तरफ कर दिया है। ओह यार ये तोड़ दी मैंने, इसको लगा लेता हूँ वापस से, रुको एक यहाँ पे लगानी है, एक बाहर तोड़ दी। मेरे पास वुड भी खत्म हो गई थी, मैंने जंगल के जंगल काटे हैं यार गाइज, बहुत 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 टाइम लग गया, हद से ज़्यादा ही टाइम लग गया। एक यहाँ पे टॉर्च निकाल दी थी मैंने, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे पास कुछ पेड़ है, मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पेड़ काटे तो उसमें से पेड़ निकले, उनके बीज निकले हैं, तो मैं एक यहाँ लगा देता हूँ। बहुत मैंने बहुत ही जंगल, वो देख रहे हो गाइज, ये देख रहे हो हवा में पेड़ देख रहे हो, ये सारे के सारे मैंने ही काटे हैं। मैं यहाँ से गया, मैं कोई प्लस 750 तक गया हूँ, मैं इतने जंगल मैंने काटे, इतने जंगल मैंने काटे, मेरे वेपन्स मेरे को बनाने पड़े बार 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 बार। तो गाइज मैंने अपने फार्म में काऊ ला ली है, अपना काऊ ला ली है मैंने। आई थिंक मेरे को अब पिग की ज़रूरत है, पिग नहीं ला पाया हूँ अभी तक, और ना ही मैंने उनकी ब्रीडिंग करवाई है, ब्रीडिंग करवानी पड़ेगी। और मैं हर जगह की जो जो जहाँ पे मैंने चिकन रखा है, काऊ रखी है, वहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। हर जगह पे अलग अलग से चेस्ट लगाने वाला हूँ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ऊपर जाके यहाँ पे मैंने एक और गेट लगा दिया है, और वहाँ पे भी एक गेट लगा दिया है अस्तबल के लिए, और इन्हें खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा भूखे नहीं रहते हैं, ये ज़्यादा खाना मांगते नहीं। तो गाइस ये देखो मैंने यहाँ पे चेस्ट लगा के रखी, इसमें मैंने शायद हाँ, तो इधर से मैंने खाने जो मेरे को काऊ से खाना मिलता है, मैंने वो वाला खाना यहाँ पे रख दिया है। इनकी मैंने थोड़ी बहुत ब्रीडिंग करवाई थी, यहाँ पे मैंने चेस्ट लगाना भूल गया, अभी यहाँ पे चेस्ट लगा लेते हैं। ये घास उग जाती है बार बार और ये खा लेते हैं। देखो गाइस ये कितना घास खाया है इन्होंने, इनकी भी थोड़ी बहुत ही ब्रीडिंग करवाई है, ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करवाई है मैंने। यहाँ पे मैं चेस्ट लगाने वाला, मैं चेस्ट बना के लेके आ गया हूँ 10, मैं यहाँ पे चेस्ट लगाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा खाना मिलने वाला है। बहुत ही मेगा मेगा मतलब शॉपिंग मॉल बना दिया है मैंने, एक किस्म का ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये वाला चीप से जो मेरे को वूल मिलेगा, जो मेरे का मीट मटन मिलेगा, मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, और वैसे ही मैं ऊपर जाके भी रखने वाला हूँ। मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर भी दिखा देता हूँ, ऊपर से व्यू दिखा देता हूँ अपने घर का, एक बार ये बंद हो जाए। यहाँ पे मैं चिकन रखने वाला हूँ, यहाँ पे अभी घास नहीं उगी है, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे उग जाएगी। इसे अंडा देना भी शुरू कर दिया, ये देखो गाइस एक, हाँ मैंने चिकन नहीं लाया, मेरे को चिकन लाना है अभी यहाँ पे, उनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा तो बहुत जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे। मेरे को एक चिकन लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को सीड्स चाहिए, मैं सीड्स भी कलेक्ट करने वाला हूँ, वो फार्म से मिल जाएगा। और बीच में मैंने फार्म को भी थोड़ी, फार्म की जो खेती थी वहाँ से भी थोड़ा बहुत खाना निकाल लिया था। देख लो गाइज मेरे पास एक ही कैरेट पड़ी है, मेरे पास 64 कैरेट थी, बहुत 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 खाना लग गया, थोड़ा भूखा हूँ, खा लेता हूँ खाना, पेट भर जाएगा। ओके तो मैंने खाना खा लिया। ये वाला ऊपर वाला व्यू है हमारा, मैं आपको ऊपर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इनकी शायद से करवाई थी ब्रीडिंग, हाँ ब्रीडिंग करवाई थी, तीन हैं ये, दो लाए थे मैंने, मिनिमम दो चाहिए हमें ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चेस्ट लगाने वाला हूँ, मैं आपको फार्म दिखाने वाला हूँ, ऊपर से मैं आपको अपना फार्म भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले चेस्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे मेरे को क्राउच करना पड़ेगा, हाँ बहुत सही, यहाँ पे माउस भी नहीं आना। ओके मैंने ही गलत कर दिया, इसको तोड़ लेते हैं, बहुत सही। अब मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे को, मेरे पास पॉक है क्या, मैं जो यहाँ से मेरे को जो ये क्या है रॉ पॉक है, यहाँ पे रख लेते हैं ये वाला सामान, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये पॉक मिलने वाला है। तो गाइज ये देखो मेरा, ये देखो कितना ऊंचा है भाई, बहुत ही ऊंचा, ये मेरा फार्म है, आप लोग देख सकते हो। रुको मैं आपको ऊपर से और दिखाता हूँ, ऊपर जाता हूँ मैं, ये देखो फार्म देखो यार कितना बड़ा है, कितना बड़ा फार्म है। उसके बाद हमने शॉपिंग मॉल बना दिया एनिमल्स का, इंसानों का तो सुना होगा गाइज आपने, ये मैंने जानवरों के लिए शॉपिंग मॉल बना दिया, इतना बड़ा बनाया, मैं खुद ही सोच रहा था मैंने इतना बड़ा क्यों बना दिया। तो फूल एंड फाइनली जब ये बन गया है, मैंने आपको दिखा दिया है। मैं अब यहाँ पे एक चिकन लाने वाला हूँ, उनकी ब्रीडिंग करवा के दिखा देता हूँ, ब्रीडिंग करवाने के लिए। अरे 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 भाई तू कहाँ बाहर आ रहा है, बंद हो। हाँ इनकी ब्रीडिंग, पिक की ब्रीडिंग करवाने के लिए मेरे को कैरेट्स चाहिए, कैरेट्स के लिए मेरे को, कैरेट्स के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा फार्म में। यहाँ पे मेरे पास कुछ है इनकी ब्रीडिंग करवाने, कुछ नहीं है मेरे पास ब्रीडिंग करवाने के लिए। मैं सामान लाने वाला हूँ, मैं आपको ब्रीडिंग करवा के भी दिखा देता हूँ इनकी, है ना। तो ये ब्रीडिंग करेंगे, फीड करते हैं इन्हें, देखो इसको फीड कर दिया। ओके तो गाइज वो ब्रीडिंग कर रहे थे, देखो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा निकलेगा हमारा, इसका काऊ का बेबी निकलने वाला है। ओके तो इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, इन सबका पेट भरा है। तो गाइज ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बेबी पैदा हो चुका है। ओके तो गाइज इन्हें खाना खिला देता हूँ मैं, ओके खिला दिया इसको खाना। यहाँ पे तुम लोग भी खाओगे क्या, तुम भी खाओगे, पेट भरा है, इतना घास खा लिया तो आप कहाँ खाओगे। ये देखो गाइज इन्होंने कितना घास खा लिया मेरा, चलो एनीवे कोई नहीं, इनके लिए ही रखा था इसलिए खा रहे हैं, सही है, इन्हें फीड करवा देता हूँ। ओके तो और किसी को चाहिए खाना, खाना 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 खाना, नहीं तो बार बार, मैं बार बार नहीं आने वाला खाना देने के लिए।
और किसी को चाहिए तो ले लो जल्दी से, बस खत्म। तो गाइज इनका बेबी एक पैदा हो चुका है, दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ गया। ये रहा एक बेबी, देखो कितनी जल्दी खा रहा है, सारा घास ही खा गया। ओके तो मैं इनको कैरेट देने वाला हूँ, फीड करता हूँ। ओके तो इसको फीड कर दिया, इसको भी चाहिए क्या? इसको भी दे देते हैं। ओके तो इसे भी दे दिया मैंने, इसको देना है क्या? ओके तो मैंने इसको भी दे दिया, एक बेबी आ चुका है। ये देखो गाइज एक बेबी आ चुका है, इसे भी दे देते हैं खाना। ऐसे में इनकी ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ, बहुत सारे मैं पिग्स पैदा करने वाला हूँ। और हाँ, चिकन के लिए मेरे को एक चिकन लाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल रात हो चुकी है, मैं रात सो जाता हूँ, उसके बाद हम चिकन लाने चलेंगे। हमारे पास सीड्स है, चिकन के लिए हमें सीड्स चाहिए होते हैं, सीड्स ये है। और पहले मैं सामान रख लेता हूँ सारा का सारा जो भी मैंने रखना था। ओके तो गाइज आई थिंक मेरे को चिकन मिल चुका है। हाँ ये रहा एक चिकन, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। इसके साथ और भी एक कोई साथी है क्या इसके? ओके तो ये मेरे पीछे आ गया, इसने सीड देख लिया है, मेरे पीछे आएगा, बहुत दौड़ दौड़ के आएगा। यहाँ पे पिग्स भी है, लेकिन पिग्स की ज़रूरत नहीं है, पिग्स है मेरे फार्म में बहुत सारे, 5 पिग हैं, उनकी मैं ब्रीडिंग करवा दूँगा। भाई जल्दी आ, क्या कर रहा है? जल्दी आ यार, क्या कर रहा है? जल्दी आ, हाँ जल्दी आ, शाबाश। ओके तो यहाँ पे कैट भी है, कैट के लिए हमें फ़िश लानी पड़ेगी। एक फ़िश तो हमारे ये पेट बन सकती है, अगर इसको फ़िश खिलाएंगे हम 2-3 तो हमारी पेट बन जाएगी और हम इसे पाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आई थिंक कैट ना क्रीपर्स को आने नहीं देती है अपने कैसल में, बहुत सही हो जाएगा अगर मैं कैट रखूँगा। डॉग्स भी है गाइज यहाँ पे, डॉग्स को भी पेट बनाएंगे, उनके लिए बोन चाहिए। अबे आना क्या कर रहा है, ये ले, आजा 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 आजा, शाबाश, आजा आजा। वो रहा हमारा कैसल, ये हमारा घर। वो देखो गाइज दूर से ही कितनी सही लग रही है यार, कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। कहाँ गया भाई ये, कहाँ गया? अरे आना भाई, क्या कर रहा है? आ क्यों नहीं रहा है ये यार, इसको लाना भी बहुत मुश्किल है। आ जल्दी आ, जल्दी आ शाबाश, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा 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 आजा। ओके तो मेरे को भी भूख लग चुकी है, मेरे को भी खाना खाना पड़ेगा यार। ये चिकन बड़े नखरे कर रहा है तेरे को, तू एक बेबी दे, उसके बाद तेरा कल्याणम कर देंगे, तुझे मार दूंगा मैं, तेरे को ही खाऊंगा, अब डिनर में तेरे को खाऊंगा। ओके तो आ रहा है गाइज हमारे पीछे आ रहा है, बहुत सही। ओके तो गाइज दो चिकन आ चुके हैं, मेरे को रास्ते में एक और चिकन मिल गया, दो चिकन आ चुके हैं। मैं अपने कैसल के पास पहुँच चुका हूँ, बहुत जल्दी हम कैसल के अंदर भी जाएंगे और इन्हें कैद कर लेंगे। आ जाओ, शाबाश, बारिश पड़ने वाली है, भाग ना जाना। मेरे को भूख भी लग चुकी है, मेरा पेट खाली हो रहा है आहिस्ता। आप देख सकते हो 2 लैग पीस कम हो चुके हैं, मेरे को खाना भी खाना है। मैं लेके तो आया हूँ, लेकिन अगर मैंने हटा दिया सीड्स को अपने हाथ से तो ये निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। अबे दूसरा कहाँ गया? अबे आना आना आना, आजा आजा आजा, आएगा ना, डरेगा तो नहीं? ओके तो दरवाज़ा बंद कर ले, अब यहाँ से तो नहीं जाएंगे, ये इतना तो रहेगा, अब कासल में तो रहने वाले हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ, शाबाश, ऊपर आ जाओ, और ऊपर, शाबाश। ओके तो मेरे को यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तीनों बाहर मत जाना, एक एक करके आओ यार, गर्दी भीड़ मत लगाओ। ओके तो मैंने खाना खिलाने वाला हूँ, उनकी ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ। ओके तो आ जाओ, और किसी को चाहिए क्या? ओके तो एक और, ये देखो गाइस बेबी आ चुका है, बहुत जल्दी हम इसे खाना खिलाएंगे तो बहुत जल्दी वो बड़ा भी हो जाएगा। इसे खाना खिला देते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए और बच्चे दे, हमें इतना वेट नहीं है। ओके तो गाइस एक और बच्चा होने वाला है, ये देखो गाइस एक और बच्चा हो गया, बहुत सही। ऐसे में इनकी ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ बहुत सारी, इसलिए मैंने फार्म बहुत बड़ा बनाया था ताकि बहुत कुछ हमारा निकले वहाँ से। ओके तो एक एग दे दिया, एग ले लेते हैं, एग से भी चिकन निकल जाते हैं कभी कभी। और किसी को खाना चाहिए? इसको खाना चाहिए, इसको दे देते हैं, बेचारे भूखा है बेचारा, अभी पैदा हुआ ना। ओके तो गाइस कोई और खाएगा क्या? मैं वापस नहीं आने वाला, बार बार नहीं आऊँगा मैं, अगर चाहिए। यार तेरे को कितना खाना खिलाऊँ भाई, बस कर, हो गया, चल ख़त्म, अब ख़त्म हो गया खाना, आप जा बाड़ में जा। ओके तो मैं यहाँ पे एग रखने वाला हूँ अपना, और यहाँ पे हमारा ये मैं एपिसोड ख़त्म करता हूँ, ये मुझे लगता है अब यहाँ पे एपिसोड ख़त्म कर देना चाहिए, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये बिल्डिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि यार अप्रिसिएशन की तो ज़रूरत है और सपोर्ट की तो बिल्कुल ज़रूरत है आपके। जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, का ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़ा फार्म बनाया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखो यार बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, ये देखो गाइज फ्रंट लुक। तो मिलता हूँ गाइज एक और एपिसोड में आपसे माइनक्राफ्ट के, तब तक के लिए बाय बाय।